हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदारों के साथ इस समय मौजूद हैं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी को आप देख सकते हैं। संजय, आखिरकार गिरफ्तारी विकास दुबे की हो गई है, पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे, अब परिवार संतुष्ट, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल रोमाना, विकास दुबे को कत्ल करने में डर नहीं लगता था, लेकिन उसको अपनी हत्या का भय हमेशा बना रहता था। ऐसे में वो अपने साथ सुरक्षा घेरा लेकर चलता था, इसके साथ साथ वो अपने हाथ पे दुर्गा कवच बांध के चलता था। और आज भी महाकाल मंदिर में जब वो गया था तो उसको ये था कि महाकाल की शरण में जाकर उसका मौत क्या बिगाड़ लेगी। इस वक्त शहीद देवेंद्र मिश्रा के साढ़ू भाई रत्नाकर पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कमलाकांत पांडे जी, दुबे जी हमें बताएं थोड़ा, विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है, आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें कहना क्या है जी, क्या आप कोई अपराधी दुर्दांत कृत्य करके और दुर्गा कवच बांध के महाकाल के दरवाजे पे जाएगा तो क्या अपराधी को वो बख्श देंगे? महाकाल ने वही किया जो महाकाल करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज पूरा सातवां दिन हो रहा है उस घटना को बिकरू की, और आज अरेस्ट हुआ, लगातार उसके एक के बाद एक साथी मारे जा रहे थे, क्या सुलूक होना चाहिए विकास के साथ? देखिए, आप लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है, विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था, 12 घंटे का रास्ता है वहां से उज्जैन पहुंचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है, और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास दुबे ने भर अकेले में नहीं की है, या उसकी गैंग ने नहीं की है, उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे, जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा, मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है? उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो तार हैं वो अभी भी बरकरार है, नेटवर्क सक्रिय है, वरना इतनी सारे राज्यों की पुलिस अलर्ट होते हुए, सारी एसटीएफ होते हुए, सब कुछ होते हुए, एक आदमी जाके महाकाल मंदिर में दर्शन की टिकट कटवा रहा है, कहां थे सब लोग? और उसके बाद गार्ड फोन कर रहा है और जो पुलिस पकड़ने पहुंच रही है वो मीडिया वालों को लेकर पकड़ने पहुंच रही है। ऐसी होती है गिरफ्तारी ऐसे दुर्दांत एनकाउंटर करने वालों की? यूपी पुलिस के ऊपर तो आरोप लग ही चुके हैं कि कहीं ना कहीं विकास की मदद करते थे, मध्य प्रदेश की पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं किसी पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे सीधे तंत्र पे आरोप लगा रहा हूं। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको मत बीच में लाइए, पुलिस वाले भी तंत्र का हिस्सा ही है। तंत्र का हिस्सा तो ये पता करना आप लोगों का काम है, रोग अकेला मेरा नहीं, पूरे समाज का रोग है कि इस प्रकार की सरपरस्ती चल रही है और इस प्रकार के माफिया पनप रहे हैं, और बड़े बड़े स्तर के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे कोई हो। इसमें किसी विभाग को मत पकड़िए, इसमें किसी पार्टी को मत पकड़िए। आदमी गलत कर रहा तो इंडिविजुअल उसको पहचानिए कि ये आदमी गलत कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं वो भाजपा में है, कांग्रेस में है, कहां है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस पद पे है पुलिस में। तो खाकी और खादी दोनों का मिली भगत थी विकास को बचाने में, ये डायलॉग मैं नहीं जानता, खाकी और खादी और काली, लेकिन कुल मिला के 10 लोग समाज के जिम्मेवार तबका मिल करके एक निर्दोष और जांबाज पुलिस अधिकारी को मरवा देता है विभत्स तरीके से, उसके पैर काट दिए जाते हैं कुल्हाड़ी से, उसको मार दिया जाता है, और लाशें जला रहे थे जिस समय दूसरी टीम पहुंची, जलाने के बंदोबस्त में डीजल निकाल रहे थे। ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाऊं, मैं क्यों किसी का नाम लूं? ये तो आपकी समाज की समस्या, मैं सन्यासी हूं, मैं इन सब पचड़ों में पड़ता नहीं हूं। अगर मेरे छोटे भाई की बात ना होती तो इतना सब मैं ना बोलता, ना मैं चिट्ठी आपको दिखाता, ना वो बात करता। मैं आपको समाज का रोग बता रहा हूं कि यहां रोग है, सड़ांध फैल रही है, गैंग्रीन हो गया, इस पैर को काटिए नहीं तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। तो ये आपकी जवाबदारी है मीडिया वालों की कि आप पता लगाओ कि कौन उनके सरपरस्त हैं और जो अभी भी एक्टिव हैं, कौन है जो उसको बचा रहे हैं। ऐसे गिरफ्तारी होती है। का जिक्र आप कर रहे हैं, जो आपने चिट्ठी सीओ साहब की सामने आई थी, एसएसपी को लिखी थी आनंद देव को, वो चिट्ठी सही साबित हुई है तो हमको क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम व्यर्थ का बवाल करें या कोई नकली चिट्ठी लिख करके हम दें?
हमने तो ईमानदारी से जो उनके सामान में एक पत्र प्राप्त हुआ वो हमने दे दिया। अब ये पुलिस प्रशासन का अपना काम है, वो अधिकारियों ने जांच की, उन्होंने पता लगाया असली है नकली है, वो उनके काम है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। असली निकल आई तो कोई खुशी नहीं है, गलत निकल आती तो पुलिस खुद पता करती कि कहां से गलती हुई है। बाकी वो तो चले गए, हमारा दुख तो ज्यों का त्यों बरकरार है। अभी विकास पकड़ा गया है तो आपको नहीं लगता कि उससे पूछताछ में उसके सरपरस्तों का, उसके जो संरक्षण शरण देने वाले लोग हैं वो सामने आएंगे? देखिए जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनके सरपरस्त होते हैं वो अपराधी भी जेल में राजाओं की तरह रहते हैं, वहां से उनकी बादशाहत चलती है। तो ये तो आप लोगों ने देखना है ना कि उससे कैसा सलूक हो रहा है और उससे क्या निकल रहा है, ये देखना मेरा काम नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि जिस आश्चर्यजनक ढंग से वो गिरफ्तार हुआ है, अब ये तो मैं कभी जब जाऊंगा तो मध्य प्रदेश पुलिस से पूछूंगा कि क्या कहानी है भाइयों, जब इस तरह। आप तो खुद मध्य प्रदेश से हैं, कुछ संपर्क करने की कोशिश नहीं किया? देखिए मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं सन्यासी हूं, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, और चूंकि मेरा परिवार था यहां पे छोटे भाई का, इसलिए मैं संवेदना प्रकट करने आया था। लेकिन जब देखा यहां की पूरा लंका जैसा हाल चाल है तो यही समझ लीजिए हनुमान जी आए और उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनी सिंधु मझारी, जो होगा वो भगवान देखेंगे जी। रुमाना, तो ये रिश्तेदार थे शहीद शिव देवेंद्र मिश्रा जी के, और बता रहे हैं कि साफ तौर पर विकास दुबे आज पकड़ा नहीं गया पुलिस के जरिए। एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से वो फरीदाबाद से निकल करके उज्जैन पहुंच जाता है और पुलिस कहीं उसको नहीं टच कर पाती है, महाकाल मंदिर का एक सुरक्षा गार्ड जो है सूचना देता है जिसके बाद विकास को पकड़ा जाता है,